दोस्तों आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश न्यूज़, में हूँ हेमंत गर्ग। इस समय हम सेधवा के इस मंच पर मौजूद हैं जहाँ कुछ ही पल पहले शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सेधवा के लिए पार्षद चुनावों में भाजपा के समर्पित उम्मीदवार यानी कि 23 पार्षदों को जिताने के लिए अपील की है। उनका कहना है, उनका साफ कहना है कि 23 पार्षदों को जिता करके सेधवा की इबारत को आप लिख सकते हैं। इस समय कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके द्वारा सीएम से किसी तरह के सेधवा के विकास की कोई चर्चा नहीं की गई। अब तक 4.5 सालों में सेधवा पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि अंतर सिंह दादा की बहुत याद आती होगी, नर्मदा के जल को सेधवा लाने की बात कहने वाले शिवराज सिंह चौहान इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी पार्षदों को जिताने की अपील करके यहाँ से भोपाल के लिए स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो चुनावी आम सभा थी इसमें शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी और सेधवा में आज शिरकत की है। उन्होंने बड़े दावे बड़े वादे किए हैं कि जनता यहाँ पर जीत दिलाने के बाद पार्षदों के साथ सेधवा के विकास की नई इबारत लिख सकती है। हालांकि इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेधवा में काबिज है, परंतु अगर नए सिरे से सरकार फिर भाजपा की बनती है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार के जरिए यहाँ पर काफ़ी सारा विकास किया जा सकेगा। सेधवा विकास में इस समय इसलिए पिछड़ा हुआ है कि मंडी टैक्स जो ज़्यादा है जिसके कारण यहाँ पर जिनिंगें काफ़ी बंद पड़ी है। एक्सप्रेस संदेश के सवाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ किया कि अगली कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी दे दी जाएगी, यानी कि कपास पर मंडी टैक्स कम हो जाए। एक्सप्रेस संदेश न्यूज़ की पूरी टीम के साथ हेमंत गर्ग।